हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है डाउनलोड्स की इस नई एपिसोड में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको बताया था पिछले वीडियो में कि नया वीडियो लाऊंगा स्नो माउंटेन के ऊपर, तो भाई ला चुका हूँ। तो बस भाई दिखाएंगे इस वीडियो में क्या कुछ करना पड़ता है क्राफ्ट करने के लिए। तो उससे पहले भाई मेरा लेवल 40 हो चुका है कम्प्लीट, तो मेरा अनलॉक कर चुका हूँ डेजर्ट का जो क्लोथ है और वाटर बैग। तो भाई इसको क्राफ्ट करने के लिए जो मटेरियल वगैरह जो चाहिए वो जो है पहले ही मैंने करके रखा था जुगाड़, क्योंकि पिछला वीडियो में आपका डेजर्ट वाला वीडियो में दिखाया था जो इसमें मटेरियल्स लगता है ये मॉन्स्टर का जो चीज़ है, और अगर बोल के जो पानी का वाटर बैग बनाने के लिए जो चाहिए दोनों ही मिल जाएगा आपको। जो पिछला स्नो जो आपको डेजर्ट वाला वीडियो में दिखाया था वो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा कहाँ से क्या मटेरियल्स मिला था। वो टावर का अंदर जो मॉन्स्टर को मारे थे उससे जो मिला था उससे क्राफ्ट करना है क्लॉथ, और वाटर बैग के लिए जो पानी मिला था उसका अगर बोल के जो चीज़ मिला था वो उस चीज़ से। तो ठीक है गाइस, अब बनाते स्नो माउंटेन का बारे में बात करते हैं। तो क्राफ्ट करना है ये ड्रेस क्लोथ जो है प्रोटेक्शन, कोल्ड प्रोटेक्शन जो ड्रेस है, तो उसको क्राफ्ट करने के लिए चाहिए कॉटन फैब्रिक, लगभग आपको चाहिए 7, और कॉटन थ्रेड चाहिए 14, स्नो वूल पैडल चाहिए आपको पेटल 42, सॉरी बैस अगर प्रोनाउंसेस गलत हुआ तो। और उसके नेक्स्ट वर्जन का जो है उसका अगला लेवल वाला जो है उसके लिए चाहिए स्नो क्रिस्टल, वो लगभग चाहिए होगा आपको 28। तो भाई ये सारा सामान आपको जुगाड़ करना है, तो स्नो माउंटेन से जो मॉन्स्टर को मार के जो चाहिए आपको उसके लिए आपको आना पड़ेगा उसके बॉर्डर का नज़दीक, क्योंकि आपके पास अगर पहला तो होगा नहीं जो क्लोथ जो ड्रेस है वो आपके पास नहीं रहेगा, तो क्या कर सकते हैं आप, वो अंदर जाके उसको मार नहीं सकते, आप जल्दी से जल्दी मर जाओगे। तो उससे पहले नज़दीकी जहाँ मिलेगा आपको जाके ऐसा मॉन्स्टर ढूंढो, बॉर्डर का नज़दीक जाओ, लेफ्ट साइड में मिल जाएगा, जितना हो सके माउंटेन का नीचे तरफ जाओ, यहाँ पे भाई भर भर के आपको सारा मॉन्स्टर आता रहेगा, अटैक करेगा आपको, मारो उससे जाके जितना हो सके। देखो भाई कितना सारा एक ही साथ मार के स्नो वुल्फ का जो पैटल है सारा कलेक्ट कर चुका हूँ, और जो उड़ता वाला ड्रैगन दिख रहा है छोटा छोटा खतरनाक है भाई, इस तरफ बच के पोषण वगैरह सारा लेकर रखा, फिर मेरा हाफ से ज़्यादा ख़त्म कर चुका है HP। तो इसके लोग मारने के लिए भाई भाला या तो एरो बो यूज इस्तेमाल करो, लॉन्ग डिस्टेंस वाला वेपन, तो इससे मिलेगा आपको क्रिस्टल। लो भाई ये तो नीचे आ गया, तो भाई फटाफट मार दो इसको, बहुत आसानी रहेगा मारने में, उड़ता रहे तो बहुत परेशानी होता है। अरे यार ये वुल्फ वगैरह जो है बहुत परेशान कर देता है। तो गाइस भूल कर कभी बिना प्रोटेक्टेड गियर के अंदर मत जाना स्नो माउंटेन का, अगर जाओगे जल्द से जल्दी मरने में गारंटी है भाई। तो जितना हो सके भाई ये वाला आइडिया काम लगाए, जैसे कि आप बताया था वो कॉटन का थ्रेड तो मेरा ख़त्म हो गया था क्लॉथ बनाने में, तो उसको पहले बना लेते, तो मेरे पास नहीं है कॉटन फार्म किया हुआ, तो उसको पहले ख़रीद लेता हूँ। 20 डायमंड लगे ख़रीदने के लिए, भाई ख़रीद चुका हूँ, तो उसको जाके फटाफट क्राफ्ट कर लेता हूँ। चाहिए कॉटन थ्रेड 14, तो उसको दो क्राफ्ट का मशीन है, तो मेरे पास दो मैं हाफ ऑफ कर दूँगा, फटाफट क्राफ्ट कर लेते हैं। तो हो गया है, तो ये इसमें 7 डाल देता हूँ, उसमें भी 7, तो जल्दी से जल्दी हो जाएगा, जल्दी तो कह रहा हूँ लेकिन थोड़ा टाइम लगता है तो वेट करता हूँ। सो गाइस हो गया, तो फटाफट निकालते हैं। लो गाइस फटाफट कमिट कर चुका हूँ, क्राफ्ट कर लिया है, अभी जाके वर्क बेंच में क्राफ्ट करना है। तो जितना भी गियर है आपको वर्क बेंच में ही मिलेगा, सॉरी पिछला बार मैं आपको बताया नहीं सर, तो यहाँ पे आके आप जाके क्राफ्ट करो फटाफट। तो करते हैं इसको क्राफ्ट, उसको पहन के दिखाता हूँ कैसा लगता है। तो गाइस ये जितना है उतना पावरफुल नहीं है गियर जैसा, लेकिन आपको ठंड से बचाने के लिए बहुत अच्छा है, और जितना भी मॉन्स्टर वगैरह है वो सारा ही आपको ठंड से ही मारने के लिए बना हुआ है, तो वहाँ पे आपको बड़ा आर्मर नहीं चाहिए ज़रूरत, क्योंकि वहाँ पे जितना रहेगा ठंड से मरने का ही गियर चाहिए होगा, तो उस हिसाब से ये सही है, और यहाँ पे कोई दूसरा आपको पहन के जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो हो गया तो भाई कुछ ऐसा लगे दिखने में, तो पहन लेता हूँ, पहन के दिखाता हूँ कैसा लगता है उसमें। आगे तो अपना बैकपैक से ज़्यादा जल्दी होगा इसको इक्विप करने में, तो यहाँ से जल्दी जल्दी इक्विप करना हमेशा। सो गाइस कुछ इस ऐसा दिखिएगा, और भाई पहनते ही गर्मी लगना चालू हो गया है तो भाई निकाल चुका हूँ उसको, पहले बना लेता हूँ नेक्स्ट वर्जन वाला जो है। तो इसको बनाने के लिए भाई आपको पहला वाला ड्रेस चाहिए होगा और स्नो क्रिस्टल चाहिए होगा 28 तक, तो मेरे पास तो ऑलरेडी जुगाड़ कर रखा हूँ, तो फटाफट बना लेता हूँ और बना के फिर उसके बाद आपको पहन के दिखाता हूँ। और भाई इस वीडियो में बताऊँगा स्नो माउंटेन में जो भी है सारा जो आपका मेन मॉन्स्टर जो मारना है आपको, बेस चैलेंज करना है
बेसिल चैलेंज, तो उसको करने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है, कौन सा क्वेस्ट कंप्लीट करना पड़ता है, सारा इस वीडियो में बताऊंगा, तो देखते रहना। और प्लीज़ जो नए हो चैनल पे भाई सब्सक्राइब कर दो, और अच्छा लगे तो प्लीज़ भाई एक लाइक कर दो। और बहुत बहुत थैंक यू भाई जिन्होंने भी अब मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब करके रखा है। आगे चल के मैं और भी नए नए वीडियो लाता रहूँगा दूसरे गेम को भी। अगर आपके पास कोई रिकमेंड रहेगा तो प्लीज़ बताइए कमेंट करके। सो गाइस, पहुँच चुका हूँ स्नो माउंटेन का शेल्टर में। तो यहाँ भाई आते ही ठंड लगना चालू हो चुका है, तो फटाफट पहन लेता हूँ अपना जो ड्रेस है। अब ठंड लगना बंद तो हो चुका है लगता है, और पास में आग भी जल रहा है, फिर भी दिखा तो रहा है सिंबल ठंड लग रहा है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। तो पहले ये जाते हैं, और यहाँ पे क्या लिखा है, आपको कोल्ड रेजिस्टेंट का एक पोशन बनाना है भाई। ये पोशन जो बनाने के लिए जो सामान चाहिए भाई, मैं पहले आपको दिखाने में बहुत ढूंढने की कोशिश किया, मुझे रेयरली मिलता है वो फ्लेवर, तो वो मेरे को बहुत टाइम लग रहा था बनाने के लिए, तो इसलिए मैंने उसको खरीदना ही अच्छा समझा। तो यहाँ पे ख़रीदने का ऑप्शन है, ये जो महिला है भाई इसके पास आइए, इन बहन जी के पास आइए, ये कि आपको वो ऑप्शन दिखेगा आपको ख़रीदारी करने का, तो वहाँ पे जाइए। आपको देखिए भाई ये आप कितना भर भर के सामान है ख़रीदने के लिए भाई। तो यहाँ पे जो कोल्ड रेजिस्टेंट वाइन है इसको ख़रीद लीजिए, तो आपको ज़्यादा एक्सप्लोर करके उसको बनाने के लिए उतना टाइम नहीं लगेगा। तो मेरा कोल्ड कॉइन बहुत भाई मैंने सेव करके रखा, जैसे देख सकते हो 9600 तक है, 9800 तक चाहिए मुझे नया फॉलोअर को अनलॉक करना है, मैं ख़रीदना है। तो ठीक है कोई बात नहीं, 20 कॉइन तो खर्चा कर ही सकता हूँ भाई, क्विस्ट कम्प्लीट करना है तो फटाफट कर लेता हूँ। तो चलो भाई ये हो गया अपना पहला, ये क्या बता रहा है अभी, तो इसको भाई दूसरे भाई साहब के पास लेके जाना है बोल रहा है, तो वो जाके बताएगा आगे क्या करना है। तो इन भाई साहब के पास आता हूँ और सुनता हूँ क्या करना है। हाँ भाई भाई लंबा चौड़ा बहुत कुछ बोलने वाला है, तो इसको भाई जल्दी जल्दी ख़त्म करता हूँ, आपको सारा बातचीत उतना स्लो मोशन में नहीं दिखाता हूँ, जल्दी इतना हो सके फास्ट फॉरवर्ड में भाई इसको कंप्लीट करता हूँ। तो भाई बेसिकली क्या करें, हाँ भाई ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, ये वाला मैप में माउंटेन जो है भाई इसका जो मेन मॉन्स्टर है उसको मारने के लिए की बनाना पड़ेगा, तो उसका पूरा जो सामान वगैरह जो भी क्या क्या मेथड है सारा इन लोगों के पास ही पता चलेगा, तो सुन लेते हैं। तो ठीक है पहले इसके पास लेके आना पड़ेगा आपको कोल्ड रेजिस्टेंट वाला पोशन, इसको देने के बाद ये बताएगा कहाँ जाना है। तो ये करने का जो भी है जितना है जल्दी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड करके इसको अपना ख़त्म कर लो भाई, करने का स्किप करना नहीं है भाई, स्किप कर भी नहीं सकते, यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, जितना हो सके जल्दी जल्दी टैप करो अपना स्क्रीन पे फ़ोन में जितना हो सके, तो जल्दी जल्दी अपना वो ख़त्म करेगा पकना भाई। उसके बाद अपना नेक्स्ट जो रहेगा क्या करना है बताएगा, तो वो जिस महिला के पास भाई ख़रीदा था उसके पास जाकर बात करना है फिर से। इसका जो स्टोरी लाइन है बहुत बढ़िया है, लेकिन कभी कभी क्या होता है जो गेम खेलते हैं हम लोग जैसा भाई उतना नहीं देता है टाइम, उतना पसंद नहीं है, जल्दी जल्दी ख़त्म करना चाहते, फाइटिंग वाला सीन है, एक्सप्लोर करने में ही टाइम नहीं करता है, तो कोई बात नहीं, इसीलिए आपका भाई यहाँ पे जल्दी जल्दी करना है, कैसे आपको दिखा रहा हूँ इसीलिए। अच्छा ड्रैगन एग के बारे में कुछ कह रहा है भाई, ड्रैगन एग का मैंने एक्सप्लोर करने का टाइम देखा था भाई मैप में, तो वो उसका कुछ फंडा है, तो ठीक है कोई नहीं, जो भी है फटाफट कर लेंगे, इसका बातचीत पहले ख़त्म कर लेता हूँ भाई। पहले इस भाई सबको पास भेज दिया मुझे ड्रेसी, क्या नाम है पता नहीं, सही है भाई इसका तो मस्त वाला गेटअप है। हाँ ये पागल है, पागल साइंटिस्ट जो अपना ड्रैगन एग के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है, तो इसको ड्रैगन एग चाहिए, तो उसको लेने के लिए पहले मुझे क्या करना होगा बता भी दे भाई, तो बहुत सारा ऑप्शन देता है भाई, क्या सा चूज़ करो पता नहीं, कोई भी चूज़ करो भाई, मैं तो पहला वाला ही चूज़ करता हूँ हमेशा, आइस डस्ट मार्वल। तो भाई इसमें नया बात पता चला, तो आइस डस्ट मार्बल बनाना पड़ेगा जो रहेगा आपका की मॉन्स्टर को चैलेंज करना अनलॉक करने के लिए, तो उसके लिए इसको ट्रेड करना पड़ेगा ड्रैगन एग, तो अभी ड्रैगन एग इसको देगा तो ये मार्बल वाला चीज़ जो है वो देने को मिलेगा, उससे जाके आपको की बनाने में काम आएगा बाद में। तो लोकेशन दे चुका है, तो पहले जाते हैं वहाँ पे, जाके एक और बंदा है शायद उससे मिलना पड़ेगा, कुछ नाम दिया है हर्डलेन, तो चलते फटाफट लोकेशन पर पहुँचता हूँ भाई। ये है लोकेशन, तो ये है स्नो माउंटेन का पहला केव भाई मुझे जो एक्सप्लोर करने को मिल रहा है, तो इसी के अंदर मिलेगा शायद। तो भाई इसको केव के अंदर आ चुका हूँ, और आते ही भाई गर्मी लगना चालू, तो पहले ड्रेस निकाल के फेंकने का है मेरे को, बहुत गर्मी लग रहा है, तो इसमें कहीं मर ना जाऊँ, तो चेंज कर लेता हूँ फटाफट। तो भाई बैकपैक के आके इक्विपमेंट का जो ऑप्शन रहेगा वहाँ पे आके जल्दी जल्दी चेंज करो तो अच्छा रहेगा,
क्योंकि एक और ऑप्शन रहता है आपका कैरेक्टर का वहाँ पे, तुम उसमें मत जाओ भाई, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो चलो भाई हो गया ख़त्म। और क्या फिर से ठंड लग रहा है तो एक टोपी पहन लेता हूँ, खोल देता तो ठंड दिखाता है, पहन के रहता तो गर्मी दिखाता है, क्या करूँ यार पता नहीं। लो सैनिटाइज करने का सामान आ गया है तो करता हूँ। अंदर एक केव का तो अलग जैसा कुछ लग रहा है, मॉन्स्टर वगैरह रहेगा शायद, तो ठीक है देखता हूँ पहले जाके। भाई ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा है भाई, रेलगाड़ी क्या बात है भाई, मज़ा आ गया भाई, इसमें तो रेल पटरी बिछा हुआ है। तो ये भाई साहब से पहले बात करता हूँ, बताता हूँ क्या करना है। ये लो फिर से ऑप्शन दे दिया किसका दोस्त, अब पहला वाला दे देता हूँ भाई। रिपेयर करने को बोल रहा है मेन रेल का जो रास्ता है उसमें कोई खराबी है। अच्छा ये दिखा रहा है, तो ये वाला सामान थोड़ा गायब है भाई, ये एक जगह जो है इसका पटरी गायब है, तो इसको मुझे क्राफ्ट करना है, बना के देना है, तो ये तब तक के लिए फंसा था। तो चलो भाई कर देते हैं फटाफट इसको कंप्लीट। तो उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं तो पहले से अनलॉक करके रखा है सारा है, मुझे मिल चुका था बाय द वे भाई। तो उसके लिए चाहिए वुड, तो मेरे पास एक ही है भाई, अभी तीन वुड के लिए फिर बाहर जाऊँ फिर जाके मॉन्स्टर से लड़ूँ यार, ठंड में ज़रूरत नहीं है भाई, खरीद लेता हूँ, कितना लाइए होगा। शॉपिंग करने का ऑप्शन नहीं जाता हूँ, आइटम पे आओ भाई, यहाँ पे मिलेगा भर भर के आइटम भाई, 100 बहुत नाइंसाफ़ी है भाई, लेकिन 10 मिल रहा है, मतलब कितना रहेगा क्वान्टिटी में, 50 क्या बात है, लेकिन भाई 100 गोल्ड खर्चा करने में बहुत अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन करना पड़ेगा, मजबूरी है भाई, कोई बात नहीं जुगाड़ कर लेंगे फिर से, फटाफट कम्प्लीट कर लेता हूँ। ले लो भाई, अच्छा भाई 100 गोल्ड खर्चा किया तो अपना लेवल अप हो गया, फटाफट कोई नहीं कर लेना आराम से भाई, आपके पास अगर रहेगा तो वुड पहले से जुगाड़ करके अंदर आ जाओ, मेरा तरह गलती मत करना, बेकार का 100 गोल्ड खर्चा कर दिया मैंने। तो ठीक है भाई एक कंप्लीट, अब क्या कह रहा है हेलन, रिपोर्ट तो हेलन, तो ये हेलन नहीं है, कौन था भाई, मेन डेप्थ, वो तो अंदर जाना पड़ेगा। अच्छा इसके लिए जा नहीं पा रहा था तो मैंने रिपेयर कर चुका हूँ, तो अभी चलते हैं अंदर तक, जाके देखता हूँ मीट हेलन इन डेप्थ ऑफ द माइंड। तो ठीक है भाई गाड़ी पे बैठ चुका हूँ, मेरा फॉलोअर को जगह नहीं मिला, मैं अकेला निकल चुका हूँ, सही है भाई, रोलर कोस्टर के जैसा है भाई, मज़ा आ गया भाई, मस्त है भाई, ये पहला गेम है जो इस गेम में जितना मज़ा दे रहा है भाई, ये तो बस मज़ा ही आ गया। ठीक है भैया भाई, तो शुरू होते ही ख़त्म हो गया, और क्या है रास्ता इसका यार, कोई नहीं जितना भी है, लेकिन ये वाला थोड़ा डिफरेंट है इसलिए बहुत बढ़िया लगा, लेकिन मेरे को लगता है भाई इसका अंदर में बेस बनाने मस्त रहेगा भाई। तो आप लोग अगर चाहो तो भाई स्नो माउंटेन में आके ये इस केव का अंदर अगर बना दो भाई, आराम से अपना बेस बना के रह सकते हो, कोई मॉन्स्टर है कि आपको झमेला नहीं करने वाला है, कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला है। तो भाई सब क्या कह रहा है, तो ये बताएगा मेरे को डैगर नहीं कहाँ मिलेगा, ये लोकेशन बताएगा, तो ठीक है भाई जल्दी जल्दी बता। मेरे को तो पहले ऑलरेडी मिल चुका है मॉन्स्टर का जो ड्रैगन एग जो है, एक्सप्लोर करते करते थोड़ा बहुत दिखा है, लेकिन जो क्वेस्ट रहेगा आप इसी को फॉलो करो, इन लोग जहाँ बताएगा लोकेशन दिया रहेगा वहीं पे जाओ फटाफट, जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। फिर भाई 30 डायमंड मिला, चलो कुछ तो काम आया। तो दिखा रहा है क्या करना है, प्लेस द ड्रैगन एग टू हेलन स्पोक ऑफ, कहाँ पे भाई, सॉरी गाइस समझ में नहीं आया क्या करना है, तो अभी जाता हूँ, प्लेस करना है बोल रहा है, कहाँ जगह प्लेस करना है। अरे भाई घर भर के मार रहे हैं मेरे पा के भेड़िया लोग यार, उन पे आता है इन लोग। चलो भाई भर भर के मीट तो मिला है मेरे को और इसका पैलेट भी मिला है। ठीक है भाई निकलता हूँ फटाफट यहाँ से, जाके जो लोकेशन दिखा रहे हैं वहाँ पे जाता हूँ, और ड्रैगन का क्या और इसका वहाँ क्या फंड है थोड़ा देखता हूँ जाके। तो निकल गया है भाई, ज़्यादा दूर तो दिखा नहीं रहा है, 100-200 मीटर के अंदर ही आपको लोकेशन दिखा रहे, तो बढ़िया है मतलब नज़दीक रहेगा। लो भाई आ गया, तो भाई एक दिख रहा है मेरे को, ख़तरनाक लग रहा है भाई, क्या चमकीला है भाई नीला वाला। तो ठीक है मॉन्स्टर वगैरह है क्या, हाँ होएगा तो सही, लेकिन पता नहीं चल रहा है, लगता है छूने के बाद ही सब आएगा। ठीक है चैलेंज शुरू करता हूँ, देखता हूँ क्या करना है मेरे को, ट्रांसपोर्ट करना है तो मतलब इसको लेके जाना है, तो ठीक है टेलीपोर्ट हो जाऊँगा, टेलीपोर्ट होने का ऑप्शन नहीं है। अच्छा डिस्टेंस दिखा रहा है मतलब, ए भाई ये तो शुरू होते ही ख़त्म हो गया इतना सारा हमला, तो पहले मॉन्स्टर को मारना पड़ेगा। जैसे ही आप ड्रैगन एग कुछ स्टार्ट करोगे चैलेंज शुरू करोगे, जैसे ही आप उसको ड्रैगन एग को अपने हाथ में पकड़ोगे तो भाई मॉन्स्टर अटैक करना शुरू करेगा, तो रेडी रहना पहले जितना हो सके आस पड़ोस में जितना मॉन्स्टर आएगा उस सबको मार के ख़त्म कर दो, ताकि आप सेफली इसको लेके जा सको, इसको कम्प्लीट कर सको। तो करता हूँ एक और बार ट्राई, जल्दी निकलता हूँ यहाँ से, पता नहीं चल रहा है किस तरफ जाऊँ यार, ये लोकेशन जो दिखा रहा है तो ये बाहर ही है, इसका अंदर तो नहीं रहेगा, थोड़ा दूर जाना है, 50 की नहीं 100 मीटर तक के साइड, हाँ 100 मीटर के अंदर ही रहेगा।
तो ठीक है, इसको बाहर से निकल जल्दी जल्दी, आवाज़ की कोशिश कर रहा हूँ। पीछे भेड़िया पड़ा हुआ है यार। चलो यार, ये पीछे से कोई मार गया यार, मार दिया मैंने, ख़त्म। मतलब कोई अगर आपको अटैक कर दिया एक बार भी अगर, तो आपका जो चैलेंज फेल हो जाएगा। तो ठीक है, मेरे को पता तो चल गया कहाँ लेके आना है करके सामान, क्योंकि इसका बीच से तो नहीं आ सकता मैं ऐसा, तो उसे घूम के ही जाना पड़ेगा। तो फटाफट निकलता हूँ लेके, आपकी बात को कम्प्लीट करके छोड़ूंगा भाई, आपका भाई अभी फटाफट इसको जाके कम्प्लीट करना ही है मेरे को। देखता हूँ हटा टक सामने माता भाई, थोड़ा सा आया भाई, थोड़ा सा आया और पहुँच जाता हूँ बस। कोई मत मारना यार, कोई मत मार यार, आ गया भाई, मजा आ गया भाई। ये वाला क्वेस्ट की बनाने वाला जो ये है भाई, ये ओ भाई मिल गया भाई, मिल गया, सही है भाई, ड्रैगन एग मिल गया। ये वाला सही मजा आ गया भाई, इतना जितना भी की बनाया पिछला जितना मॉन्स्टर को मारने के लिए भाई, सबसे मज़ेदार वाला खेल है ये भाई। इसको लेके भागो और पीछे से आके ये सारा अटैक करने लगेगा। बहुत शायद मर जाओगे, लेकिन भाई ट्राई करते रहना, आराम से हो जाएगा। सो गाइस, ये था ऐसा है फंडा, तो ये सब करना पड़ेगा। ड्रैगन एग मिलेगा तो आखिरकार मिल चुका है, तो इसको लेके जाके ट्रेड करना पड़ेगा ट्रेसी के पास, तो वो जाके आपको मार्बल देगा, स्नो मार्बल या स्नो क्रिस्टल का जो है, तो उसको जाके आप क्राफ्ट कर सकते हो। चलो भाई, आपको इंडस्ट्री मिल गया है, बहुत बढ़िया है। और तो लोकेशन दे चुका, तो पहले वहाँ पहुँचता हूँ, जाके देखता हूँ और देखता हूँ क्या मिलता है मुझे। अरे भाई लो देखो, अरे यार सर्दी वाला जो ठंड लगने का कपड़ा पहना हो फिर भी मेरे को फ्रोज कर रहा है यार, कितना पावरफुल है पता नहीं। भागो पहले यहाँ से, फॉलोअर रहता तो ज़्यादा मॉन्स्टर आता है भाई, इसको मत निकालना भाई, ये बेकार का कोई काम का नहीं, जल्दी मर भी जाता है। अरे देखो पीछा नहीं छोड़ता, पहले इसको मारूंगा उसके बाद ही जाऊंगा मैं। अच्छा भाई नीचे आ गया तो भाई आसानी से मार सकता हूँ, ऊपर रहता तो बहुत परेशानी होता है भाई। और मेरे पास वो थोड़ा टूट गया है भाई, उसको नया क्राफ्ट करने के लिए अभी टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं भाई इससे काम चला रहा हूँ भाला से, तो इससे थोड़ा एम लगाने में थोड़ा परेशानी होता है। तो कोई नहीं, तो चलते अपना बेस पे लौटता हूँ भाई, बेस का ही लोकेशन दिखा रहा है। तो ठीक है भाई, ये क्या कह रहा है अभी देख लेता हूँ फटाफट। ब्यूटीफुल, अब तो बहुत बोलोगे भाई, इतना मुश्किल चलाया तो टैक्स तो बोलना चाहिए, तारीफ कर रहा है। कोई बात नहीं, अनदर ड्रैगन एग लेके आऊँगा, पहले ये तो ले ले। और सर्टिफाइड डस्ट मिलेगा और ब्लास्ट फर्नेस तो अगले बार मैं दिखाऊंगा गाइस, ब्लास्ट फर्नेस को क्राफ्ट करना और कैसे की बनाते हैं। तो सो गाइस, आपको अच्छा लगे तो पूरा वीडियो देखने में, तो प्लीज़ भाई एक लाइक कर दीजिए, और जो नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, टेक केयर एंड गुड बाय।